वापसी के साथ ही कोरोना के नए मामले भी तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर राज्य में कुल 24 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को रायगढ़ जिले में 2 जबकि गरियाबंद जिले में 1 नया मरीज मिला है। इसके पहले रविवार को राज्य में एक साथ 22 नए केस मिले थे। इससे पहले 11 मरीज एम्स में भर्ती थे। फिलहाल प्रदेश में 36 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना के अब तक 95 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मरीजों की अगर बात की जाए तो एकदम से संख्या बढ़ने पर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है और लोगों को वायरस से बचाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। तो छत्तीसगढ़ में एकाएक कोरोना के जो मरीज सामने आए हैं उससे न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एहतियातन वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस संक्रमण को न केवल रोका जा सके बल्कि प्रदेश से इस कोरोना को भगाया जाए। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या स्थिति बताई जाती है क्योंकि 22 नए केस मिले हैं तो जाहिर सी बात है चिंता तो बढ़ गई। एक तरफ देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो अब कम हो रहे हैं और ज्यादातर मरीज यहाँ से ठीक होकर भी अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आए हैं। एक ही दिन में पहले 25 केस सामने आए थे, उसके बाद देखा जाए तो कल रायगढ़ से 2 मामले और एक सूरजपुर से 1 मामला आया, यानी 3 मामले कल आए हैं। तो अभी एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 36 पॉजिटिव मरीज अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। हालांकि 60 से जो 59 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात और एक तरीके से देखा जाए तो जो जो मजदूर बाहर से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इसी का कारण है कि छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ रही है। हालांकि जो हमारी डॉक्टरों से बातचीत हुई और स्वास्थ्य विभाग से जो बातचीत हुई उसके मुताबिक जो ये कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जो मजदूर हैं जो बाहर चाहे झारखंड हो चाहे उड़ीसा हो चाहे अन्य राज्य हो जहाँ से वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नजर आ रहा है और हर एक मजदूरों की यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी जांच हो रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि जो मजदूर वहाँ पर आता है उसको तत्काल उनका टेस्ट किया जाए, उसका सैंपल भेजा जाए। फिलहाल अभी देखा जाए तो 36 जो पॉजिटिव मरीज है वो अभी एक्टिव संख्या में है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।